हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं एचके किचन व्लॉग्स। तो आज है फ्राइडे, बज रहे दोपहर के 12 और यहां पे बन रहा है चिकन पुलाव, क्योंकि आज अरकान के दादू जो है ना, उनकी बरसी है, हमारे अब्बा की, ससुर जी की बरसी है आज। तो 16 साल हो गए आज उनको। चिकन पुलाव की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। साइड में बना रही हूँ सूजी का हलवा, तो सूजी के हलवे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून घी डाल दिया एक बर्तन में। घी जैसे मेल्ट होता है ना, फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे सूजी। तो 500 ग्राम मैंने सूजी ली है और इसे हमें लो फ्लेम पर कंटिन्यूस चलाते हुए स्पून से भूनना है, रोस्ट करना है। तो देखिए, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पर लगातार स्पून से चलाते हुए मैं इसे भून रही हूँ। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है, इसे जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सूजी को जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके लिए फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर इसे भूना जाता है। तो इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सूजी को इस तरीके से भुना जाता है लो फ्लेम पर। तो जैसे इसका कलर गोल्डन हो जाएगा ना, तो हम इसे निकाल देंगे। और यहाँ पे दोपहर में हम फातिहा दे रहे हैं आज, हमेशा मगरिब के बाद दिया जाता है, लेकिन दोपहर में दे रहे क्योंकि फ्राइडे है ना, जुम्मा है, इसके लिए दोपहर में ही देंगे नमाज के बाद। और यहाँ पर साइड में पुलाव भी देख रही हूँ, देखिए पुलाव बन रहा है। तो पुलाव की रेसिपी तो मैंने शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुलाव बन रहा है, सूजी हमारी भून के बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो इसे मैं निकाल दूँगी साइड में एक बर्तन में, और शेरियर को अभी नहलाना बाकी है मुझे। घर के काम भी मैं देखते जा रही हूँ, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे घर के काम भी देख रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। मरियम भी एक तरीके से हेल्प कर रही है दूसरे कामों में, और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। तो देखिए, सूजी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है, इसे मैं निकाल दूँगी। सूजी को जब भी भूनेंगे ना, तो उसी बर्तन में नहीं छोड़ना है, क्योंकि भूनने के बाद भी ना, इसका पकने का जो प्रोसेस है ना, वो चलता रहता है। तो इसे ऐसे ही बर्तन में नहीं छोड़ देना है, फ्लेम को बंद करके इसे अलग से दूसरे बर्तन में निकाला जाता है। तो इसे मैंने निकाल दिया है। अब दूसरा बर्तन मैंने रख दिया है गैस पर, उसमें हम ऐड कर देंगे घी 2 टेबल स्पून। डालडा घी भी आप यूज़ कर सकते हैं या देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। वैसे तो जब हलवा बनाया जाता है ना, तो घी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ। 2-2 टेबलस्पून इस तरीके से डाला जाता है। अपने मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे लो फ्लेम पर। और अरकान तो चले गया नहाकर, अरकान अरबी से आया और नहाकर चले गया है नमाज़ के लिए उसके अब्बू के साथ। शेरियर घर में नमाज़ पढ़ेगा। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 गिलास के करीब पानी। तो 1/2 किलो सूजी में 2 गिलास पानी में ऐड कर रही हूँ, 1/2 किलो सूजी में 1 गिलास, इस तरीके का मेजरमेंट याद रखना है। और इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर, 250 ग्राम शुगर, मतलब 1/2 kg शुगर मैंने ऐड कर दिया है। फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून हरी इलायची जो होती है ना, उसका पाउडर ऐड कर दिया, और 1/2 टीस्पून के करीब फूड कलर येलो वाला मैंने यूज़ किया है। आप अपने मर्ज़ी का फूड कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हाँ, शुगर की क्वान्टिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम ऐड कर दिया है, तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। जैसे ही पानी को बॉईल आता है ना, तो थोड़ी थोड़ी करके सूजी इसमें ऐड करते जाएंगे और स्पून से हिलाते जाएंगे। सारी सूजी इकट्ठा नहीं डालना है हमें, नहीं तो जम जाएगी, लम्स जम जाएंगे, और फिर वो गुठलियाँ जो होती है ना, उसे तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। फ्लेम को लो रखना है इस समय। और देखिए, जितनी भी सूजी थी सबको मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और फ्लेम को कर दिया है लो। अब इसे पकने के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब ये पर्दे जो है ना फ्रेंड्स, वो चेंज करना है मुझे, देखिए काफ़ी दिन हो गए इसे लगा के, तो इसे चेंज करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका जो ये है ना खुलने वाला, तो ये खुल नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, देखिए ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ये खुल नहीं रहा है। तो अपने बस की तो बात नहीं है, किसी की हेल्प लेना पड़ेगी, तो अरकान के डैडी की हेल्प लेंगे और उसे खुलवाएंगे, पर्दे भी लगवाएंगे। तो फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को इसका लुक। वाइट पर्दे मैंने निकाले हैं लगाने के लिए, और ये स्नोई है, इसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, वॉमिट कर रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया आज, तबीयत इसकी ठीक नहीं है, ऊपर चढ़ के बैठे। अरे देखिए किटी, किटी कैसी सो रही है। और ये है ईटल, अब इन लोग का सोने का टाइम हुआ है ना, इसके लिए सो रहे हैं लोग, आँख खुले रख के सोते हैं, तभी इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करते। शेरिया चलो नहा लो, चलो ठीक है। तो शेरियार को भी मैंने नहला दिया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे सूजी को चेक करने के लिए मैं किचन में आई हूँ। तो देखिए, सूजी का जो हलवा है हमारा बनके रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है ये।
आप चाहिए तो कोई भी तवा होता है ना वो इस समय रख सकते हैं। पानी जैसे सूजी का ड्राई होता है ना, तो एक तवा जो दम पर रखते हैं ना, कोई भी पुराना तवा, वो रखना है इसके नीचे, बर्तन के नीचे, और इसे दम पर रखना है। तो उससे पहले हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी। तो देसी घी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देंगे और इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे। तब तक दूसरे काम हम करेंगे तो हलवा बन के रेडी हो जाएगा। साइड में पुलाव भी मैंने दम पर रख दिया है, तो वो भी बन जाएगा तब तक। तो मैं तब तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ नमाज़, फ्राइडे की जो नमाज़ होती है ना, वो नमाज़ मैं पढ़ रही हूँ। तो नमाज़ मेरी पढ़ के हो गई है फ्रेंड्स, और देखिए हलवा भी बन के रेडी हो गया है, पुलाव भी बन के रेडी हो गया है। पुलाव को भी मैंने चेक किया है तो बहुत ही अच्छे से पुलाव बन के रेडी हो गया है, और हलवा भी बन के रेडी हो गया है। तो इसे एक बार स्पून से चला देंगे, नहीं तो ये इकट्ठा जम जाएगा। तो एक बार मैं चला दूँगी, देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आती है ना, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और यहाँ पर देखिए, ये रूम की बेडशीट मैंने चेंज कर ली हूँ। और शेरी क्या कर रहे हो? शेरी यहाँ पर बैठा है, क्या पढ़ रहे हो? तस्बीह पढ़ रहा हूँ। क्यों, क्या पढ़ रहे हो? तस्बीह में क्या पढ़ रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ रहे हो? हाँ। तो ये पूरी तस्बीह पढ़ोगे? हाँ। अच्छा, तो कहाँ तक आयो बताओ, आधी हो गई? अच्छा, और क्यों पढ़ रहे हो? दादू की फातिहा है ना, इसलिए। दादू की फातिहा है इसके लिए। अच्छा, तो अभी फटाफट से पढ़ लो, टाइम हो रहा है ना, फातिहा का नमाज से आएगा अभी। भाई और अरका ने भी पढ़ा है, यासीन पढ़ा है, 2 यासीन उसने कंप्लीट कर लिया है धीरे धीरे करके। और ये देखिए शेरिया ने ये सब किया है, आप लोगों को दिखता होगा, ये शेरी ने किया है हाथों से। वहाँ पर सोता है ना साइड में, तो रात में ये सब करता है वो, देखिए है ना शेरी। तुमने किया ना? क्यों, कुछ काम नहीं है? यही काम है। अच्छा पढ़ो फटाफट, चलो टाइम नहीं आज। अब सब लोग नमाज से भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम फातिहा दे रहे हैं देखिए, और अरकान हेल्प कर रहा है मुझे सब लाकर देने के लिए बर्तन। टोपी का ढूंढो वहाँ पर, सबको बुलाओ, चलो और यहाँ पर फातिहा दिए जा रहे हैं। तो अभी बज रहे फ्रेंड्स 8:00 और मगरिब की नमाज़ भी हमारी हो चुकी है, सब काम भी हो चुका है, फातिहा भी हमने दोपहर में ही दे दिया, इसके लिए बहुत सारा टाइम हम लोग के पास था। तो इसके लिए हम निकल गए हैं वॉक करने के लिए, मरियम, मैं, मम्मी, हम सब निकल गए। तो देखते हैं आगे, कुछ एक शॉप है वहाँ पर बच्चों के खेलने की चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती है कम रेट में। तो शेरियार को गन चाहिए था, तो हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कुछ सामान और मिलता है कि नहीं वहाँ पर। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ पर शॉप पर, तो हमें यहाँ पर एक बाइक दिख गई देखी, लेकिन शेरियार तो नहीं बैठेगा, खैर शेरियार बड़ा हो गया है और ये उसके लिए बहुत छोटी बाइक है, और वो चलाएगा भी नहीं क्योंकि साइकिल उसके लिए काफ़ी है, साइकिल में बहुत खुश है वो। तो बड़ी अच्छी लग रही थी ये बाइक, बहुत ही कम रेट में वो दे रहे थे। मतलब जो हल्का फुल्का डिफेक्टेड माल जो होता है ना, वो ये शॉप पर आता है, ज़्यादा डिफेक्ट नहीं रहता है उसमें, मतलब हल्का फुल्का रहेगा, अपने को नज़र भी नहीं आएगा, तो बहुत ही कम रेट में वो लोग देते हैं। तो ये जो गाड़ी है उसके लिए भी शेरियार काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए फ्राई पैन मुझे दिख गया, बर्तन बहुत अच्छे आए थे इस बार, तो फ्राई पैन तो मैंने ख़रीद लिया है ना पहले ही, इसके लिए अभी मैं नहीं लूँगी फ्राई पैन। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, हैवी थे काफ़ी, वेट में काफ़ी हैवी लग रहे थे। और कुकर भी थे, तो कुकर भी मैंने कुछ महीनों पहले ही ख़रीद लिया है, तो वो भी मैंने नहीं ख़रीदा। तो देखिए अच्छे अच्छे कुकर भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे हैं। ये वाला कुकर मुझे बहुत पसंद आया था, 2 लीटर का होगा शायद, छोटा था लेकिन कलर वाला था ना, मुझे बहुत पसंद आया था, छोटा सा बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन नहीं ख़रीदा मैंने। और देखिए सिलाई मशीन भी थी वहाँ पर, मतलब सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, सस्ते दाम में मिलती है ना इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मशीन जो होती है ना, बैठकर हम चला सकते हैं। और यह है शेरियार के लिए गन, तो उसे ये पसंद नहीं है, उसे हमने बताया तो उसे ये पसंद नहीं आई, तो वो लोग बोले कि अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम आओगे ना, तो अच्छी अच्छी गन भी आएगी, तो हम लोग दोबारा चक्कर लगाएंगे, अभी फ़िलहाल इसे रहने देते। अब हम जा रहे हैं घर, तो वॉक करते हुए ही जाएंगे, ऑटो वीटो से नहीं जाएंगे, वॉक करते हुए ही जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मे बिग थम्स अप, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार से व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी या व्लॉग के साथ, तब तक दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।